गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर की शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक क्या है हमारा? वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। लास्ट डे हमने डिस्कस किया था हाइट, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। जी क्या है? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेप्थ में जी किस तरीके से वेरी करता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एक टॉपिक इसमें और डिस्कस करेंगे हम, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू शेप। दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ का रेडियस कितना है आर और मास कितना है एम, ठीक है। और अर्थ सरफेस पे यहां जो वैल्यू है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कितना है जी। और अभी हम डेप्थ में आएंगे, सपोज अभी हम ये डी डेप्थ में आ गए हैं, ठीक है। ये डेप्थ कितना है? ये डी डेप्थ है। और यहां जो वैल्यू है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पॉइंट बी पे वो कितना है जी डैश। यहां वैल्यू ऑफ एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है जी डैश एट पॉइंट बी जो डी डेप्थ में है। और अब सरफेस यहां जो वैल्यू है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कितना है जी। तो क्या हमने कंसिडर किया है? एम, ये है मास ऑफ प्लेनेट मींस अर्थ। आर क्या है? तो ये है रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट अर्थ, ठीक है। जी क्या है? तो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कितना है जी है, ठीक है। अभी हम डी डेप्थ में आ गए, मींस पॉइंट बी पे हैं हम। तो यहां जो वैल्यू है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कितना कंसिडर किया है हमने? जी डैश। जी डैश क्या है? तो ये है एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ डी। किस डेप्थ में है? इन डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस, ठीक है। और एक हमने कंसिडर किया रो, ये क्या है? यूनिफॉर्म डेंसिटी। हमने कंसिडर किया है यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डेंसिटी वो कितना है? रो है, ठीक है। तो अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि जो जी है वो कितना होगा अर्थ सरफेस पे। वी नो दैट, वी नो दैट वैल्यू ऑफ एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितना है? तो वो है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी डेंसिटी क्या है? तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना हो गया है? तो ये हो गया है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और अर्थ को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये क्या है? स्फीयर है, ओके। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? रो इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्थ को हमने कंसिडर किया है कि अर्थ क्या है? स्फीयर है। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। तो मास हम यहां पुट कर देंगे, सपोज इसको हमने कंसिडर किया है इक्वेशन फर्स्ट और इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड का वैल्यू हम कहां पुट करने वाले हैं? फर्स्ट में पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जी है वो कितना आ गया? तो जी किसके इक्वल था? तो जी हमारे पास इक्वल था
जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्केयर। अभी मैंने m का वैल्यू पुट नहीं किया है, आप यहां से देख पा रहे कि जो m का वैल्यू है वो कितना है, रो इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। तो यहां क्या हुआ, आर स्केयर से ये आर स्केयर क्या हो गया है, कैंसिल। तो जो g का वैल्यू है वो यहां से कितना आ गया है, g रो 4 बाई 3 पाई एंड r। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं 4 बाई 3 पाई और उसके बाद क्या है, g रो एंड r। हमने क्या किया है, मास को कन्वर्ट कर दिया है किसकी फॉर्म में, डेंसिटी की फॉर्म में। ओके, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसको, डेंसिटी की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो यहां से r स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो 4 बाई 3 वहां देख सकते हैं आप, पाई g रो एंड r। तो ये हमने वैल्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है, इस वैल्यू को हमने मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। अभी हम कितनी डेप्थ में आ गए, अभी ये जो हमारे पास जी हमने फाइंड किया है वो कहां के लिए फाइंड किया है, अर्थ सरफेस के लिए फाइंड किया है। और अभी हम इस डेप्थ में आ गए हैं, इस पॉइंट पे आ गए हैं बी पॉइंट पे, जो कितने डेप्थ में है, डी डेप्थ में है। और अगर यहां से हम कंसिडर करें तो ये जो डिस्टेंस है अभी कितना बच गया है, ये बच गया है आर माइनस डी, ठीक है। पहले वाले केस में ये डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर है, जब यहां सरफेस की बात कर रहे हैं। फिर हम डी डेप्थ में आ गए तो सेंटर से डिस्टेंस कितना बच गया है, कि डिस्टेंस बच गया है आर माइनस डी। तो हम क्या करेंगे, जी डैश को हम फाइंड कर लेंगे सिमिलरली जी डैश कितना होगा हमारे पास, 4 बाई 3 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है, रो क्या है कॉन्स्टेंट, आर क्या है डिस्टेंस मतलब रेडियस है। तो ये अभी आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस अभी कितना बचा हुआ है, डी डेप्थ के लिए ये डिस्टेंस कितना बच गया, तो डिस्टेंस हो गया है आर माइनस डी सेंटर से। तो अभी ये हमने यहां पे क्या पुट कर लिया है, आर माइनस डी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अभी क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइड इक्वेशन बी बाय इक्वेशन ए। बी को हमने इसे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो जी डैश बाय जी कितना बनेगा, डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं 4 बाई 3 से 4 बाई 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, जी से जी कैंसिल होगा, और रो से रो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो टर्म्स हमारे पास जो बचेंगी वो क्या बचेंगी, यहां बचेगा आर माइनस डी और यहां कौन बचेगा, आर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया है आफ्टर डिवाइडिंग। अगर यहां से हम जी डैश को फाइंड करें तो जी डैश हमारे पास कितना हो गया है, आर माइनस डी अपॉन आर इंटू जी। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करें इसको हम, देखिए जी डैश इज इक्वल टू, इस आर को एक बार कहां लगाना है, इस आर के नीचे, और फिर कहां लगाना है, डी के नीचे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे हम इनको। तो आर बाई आर तो क्या हो गया है, वन माइनस डी बाई आर और इंटू कौन आ गया है, जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है जी डैश के लिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कितने डेप्थ में, डी डेप्थ के लिए हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। अभी इसी में हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना होगा अर्थ के सेंटर पे, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ के सेंटर के लिए, अभी यहां एक पर्सन है, यहां उसका जो वेट है वो मान लीजिए कितना है, W है, तो W कितना होगा, वो होगा mg के इक्वल, m क्या है मास ऑफ पर्सन और g क्या है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और अभी ये पर्सन कहां आ गया है, अर्थ के सेंटर पे आ गया, तो कितने डेप्थ में आ गया है, तो डेप्थ कितना हो गया है, जितना अर्थ का रेडियस है। तो यहां पे वेट कितना होगा, तो यहां वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू एम जी डैश, मींस सेंटर की हमें ग्रेविटी फाइंड करनी होगी, ठीक है, वहां की हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी होगी। अभी हम क्या जानते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट वैल्यू कितना आया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेप्थ के लिए, तो जी डेप्थ इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर। अभी हम कितने डेप्थ में पहुंच गए हैं, हम सेंटर पे आ गए हैं, तो डेप्थ कितना होगा जितना अर्थ का रेडियस है, ये डेप्थ कितना होगा जितना अर्थ का क्या है रेडियस है। हेयर जो डेप्थ है वो इक्वल किसके हो गया है आर के, तो जी डेप्थ कितना हो गया है जी वन माइनस आर बाई आर, आर बाई आर क्या हो गया है वन, और वन माइनस वन क्या हो गया है जीरो, तो जी डैश हमारे पास कितनी आ गई है जीरो। क्वेश्चन आप इसमें ये भी बना सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा अर्थ के सेंटर पे, तो अर्थ के सेंटर पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अभी जी डैश जीरो हो गया है तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं तो वेट ऑफ पर्सन एट अर्थ सेंटर वो कितना होगा, सी कर देते हैं यहां पर, सी स्टैंड फॉर सेंटर, तो इस पर्सन का वेट अर्थ के सेंटर पे कितना हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों हो गया है, क्योंकि यहां जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो कितना हो गया है जीरो, इसलिए यहां पे वेट कितना होगा जीरो होगा। ठीक है, अब इसमें देखने वाले हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। अभी अर्थ के सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू है वो कितना है जी है, और फिर हम एक डी डेप्थ में आ गए, ये डी डेप्थ है, तो यहां जो वैल्यू है वो कितना है जी डैश है, तो जी डैश कितना आया था हमारे पास, अभी हमने देखा था जी ब्रैकेट वन माइनस डी बाई आर। अभी हम बात करने वाले हैं डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो उसको लिखेंगे हम जी माइनस जी डैश, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी को मैंने डेल्टा जी से लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं जी माइनस जी डैश से, तो डेल्टा जी हमारे पास क्या बनेगा जी एज इट इज हो गया, और जी डैश का वैल्यू यहां से अप्लाई करेंगे हम, तो जी वन माइनस और डी वाई क्या हो गया है आर, आप यहां से क्या करेंगे जी कॉमन लेंगे, तो इसमें क्या हो क्या बच गया है वन, यहां से जी कॉमन चला गया है लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, तो अंदर के साइन क्या होंगे चेंज, तो क्या होगा माइनस वन प्लस डी बाई आर, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी कितना आ गया है, तो वो हमारे पास आ गया है डी बाई आर इंटू जी, सिंपली जो वन में से माइनस हो रहा है उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेना है जी से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो ही क्या आएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे इसमें आएगा फ्रैक्शनल डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो उसके लिए क्या करना होगा डेल्टा जी बाई जी, तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आई है उसको डिवाइड हमें किससे कर लेना है जी से डिवाइड कर लेना है, तो अभी वहां पे हम पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि डेल्टा जी का वैल्यू कितना है, वहां पुट करेंगे हम डी बाई आर इंटू जी, डिवाइड किससे करना है जी से करना है, तो जी से जी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा डी बाई आर, और अभी हमें फाइंड करना है परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो उसके लिए जो फ्रैक्शनल आया हमारे पास फ्रैक्शनल डिक्रीज, इसको मल्टीप्लाई हमने किससे कर देना है 100 से, तो ये हमारे पास कितना आएगा डी बाई आर इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसके लिए परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी के लिए। ठीक है, चलिए अभी एक वेरिएशन और हम डिस्कस करने वाले हैं, सेक वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू सेप, ड्यू टू सेप। अभी हम कंसिडर करते हैं ऐसा कि अर्थ क्या है स्पेयर है, लेकिन एग्जैक्टली अर्थ क्या नहीं है स्पेयर नहीं है। ठीक है, अर्थ का शेप कुछ इस तरीके से है, ये वाला जो एक्सेस है, ये वाला जो एक्सेस है इक्वेटर, ठीक है इक्वेटर, ये रेडियस ज्यादा है लार्ज रेडियस है, और ये वाला जो है रेडियस कौन से वाला पोलर, और ये वाला जो पोलर है ये वाला रेडियस क्या है
ये रेडियस क्या है स्मॉल है, ये रेडियस क्या है लार्ज है। ये जो रेडियस है इसको हम लिख रहे हैं आर ई, रेडियस ऑफ इक्वेटर, और ये वाला जो रेडियस है इसको हम लिख रहे हैं आर पी, रेडियस ऑफ पोलर। ये वाला जो रेडियस है वो अप्रोक्स 21 किलोमीटर क्या है लेस है इससे, ओके ये वाला जो रेडियस है वो क्या है 21 किलोमीटर लेस देन इक्वेटर। अभी अगर हम अर्थ सरफेस पे मूव कर रहे हैं और मान लीजिए हम नॉर्थ पोल से कहां आ रहे हैं, वेस्ट पे आ रहे हैं, तो ग्रेविटी में किस तरीके की चेंजेस आएंगे। अब हमें पता है कि जो जी है वो जी किसके इक्वल था, तो जी इक्वल था जी एम बाई आर स्क्वायर। अभी आप शिफ्ट हो रहे हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो क्या हो रहा है रेडियस में क्या आ रहे हैं चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है किसको, आर स्क्वायर को, अर्थ का जो रेडियस है, जो प्लेनेट का जो रेडियस है उसके स्क्वायर को क्या कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है। मतलब क्या है, जिस लोकेशन का ये वाला जो रेडियस है वो ज्यादा होगा वहां पे ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ डायग्राम से हम देख पा रहे हैं, हेयर हम क्या देख पा रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है ये ग्रेटर है किससे, रेडियस ऑफ पोलर एक्सिस से, ओके ये वाली जो रेडियस है पोलर एक्सिस वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस क्या है स्मॉल है, ये रेडियस स्मॉल है और ये वाला रेडियस क्या है लार्ज है, ठीक है। और यहां जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है किसको, रेडियस को। मतलब क्या है, जहां का रेडियस ज्यादा है वहां का ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। मींस देयरफॉर जो ग्रेविटी ऑफ पोल है दिस विल बी ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।